मैं असम से आता हूं, हमारा असम में पूरा एक समय था अलकायदा का स्लीपर सेल, एवरीवेयर देयर वेयर स्लीपर सेल। ये स्लीपर सेल कौन बनाता था? ये पीएफआई का लोग बनाता था। अभी अमित शाह जी ने पीएफआई को बैन किया, हमने 400 लोगों को अरेस्ट किया असम में किया पीएफआई करने का कारण। और पीएफआई लोगों को हमने ऐसे सिखाया कि जिंदगी भर वहां और पीएफआई जन्म नहीं हो सकता है, इसको अच्छा से हमने ट्रीटमेंट कर दिया हो और आगे जाके हिम्मत नहीं करेगा। यहां आके कांग्रेस वाला बोल रहा है तो आप पीएफआई क्यों क्यों बैन करेगा? अगर पीएफआई को बैन करेगा, हमें भी बजरंग दल को बैन करेगा। अरे पीएफआई बम धमाका करता है, पीएमआई गोली बारूद करता है, पीएफआई देश का गद्दारों का साथ मिला हुआ है, तो आप पीएफआई के लिए क्यों खड़ा होते हो? आज हमारे कर्नाटक में सिद्धरमैया जी जब मुख्यमंत्री था, उन्होंने पीएफआई का ऊपर केस उद्रो किया, पीएफआई लोगों को जेल से रिहा किया और नरेंद्र मोदी जी ने ये पीएफआई लोगों को पकड़ के जेल का अंदर कर रहा है। आज आप खुद जानते हैं कोर्ट में एनआईए ने यहां में भी स्लीपर सेल को डिटेक्ट किया। हमारे आज कर्नाटक में भी आज पीएफआई का एसडीपीआई का आज कितना बहादुरी है आप देख लीजिए। मैंने आज सुबह एक केरला का कांग्रेस का एमपी को देखा, उन्होंने यहाँ आके एसडीएफआई लोगों को बोल रहा है कि हम भाई बहन हैं, आप लोग कांग्रेस को वोट दीजिए किसलिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन अगर हम कोई जगह में बोलता हूँ कि भाई हम हिंदू हैं, बीजेपी को वोट दीजिए, कांग्रेस हल्ला लगा देता है। लेकिन जब कांग्रेस का एमपी कर्नाटक में आके बोलता है कि मुसलमान भाई भाई है, आप लोग कांग्रेस को वोट दीजिए, तो अब सेकुलरिज्म कहां जाते हैं? तो इसीलिए भाइयों और बहनों, आज कांग्रेस कोई हमारा पार्टी नहीं है, आज खाली कांग्रेस फंडामेंटलिस्ट मुसलमान का पार्टी बन के रह गया है। दे डू नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ सेकुलरिज्म एनी मोर, दे डू नॉट रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ सेकुलरिज्म एनी मोर। इसीलिए आपको मैंने बताना चाहता हूं कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धरमैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी, एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। दे आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ टीपू सुल्तान, बाकी कुछ नहीं है। मैं असम से आया हूँ, मेरा असम में 17 टाइम्स मुगल हमको अटैक किया था, लेकिन मुगल कुड नॉट डिफीट अस, हम अनडिफीटेड रहा। और आज यहाँ आके मैं ये पवित्र भूमि को नमन करता हूँ, किस लिए? हमारे कोडाबा का लोगों ने भी टीपू सुल्तान को बार बार हराया था, 18-20 बार उनको हराया था, 80,000 लोगों ने कुर्बानी दिया था। आज सिद्धरमैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पहले ये बताओ 80,000 लोगों का खून, जो जिसका कारण खून बह गया, उनका टेबल्यू आप कैसे रिपब्लिक डे में भेजा था? आज हमें भी उनको क्वेश्चन करना है, ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है, ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? तो इसीलिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे पीएफआई का घाटी बन जाएगा, हमारा बीजेपी आएगा, हमारे कर्नाटक सबका साथ सबका विकास होगा। तो इसीलिए हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, येदियुरप्पा जी को वोट देना है, हमें बोम्मई जी को वोट देना है और हमें बोप्पाया जी को वोट देना है। ये हमारा लक्ष्य है और इसी से हम आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों,
हमारा असम में बहुत सारे मद्रासा था। मैं सीएम होने का बाद 600 मद्रासा को ताला लगा दिया कि भाई आप मद्रासा अड्रासा मत खोलो, ऐसा नहीं चलेगा। और हम आगे जाके थोड़ा बहुत मद्रासा बसा गुसा है उनको भी मैं बंद करना चाहता हूँ। मैं मुसलमान लोगों को बोलता हूँ, आप देखिए मद्रासा जाएगा तो आपका जीवन अंधकार है, लेकिन जनरल स्कूल में पढ़ेगा आप डॉक्टर भी बनेगा, आप इंजीनियर भी बनेगा। लेकिन हमारे बीच में कांग्रेस का सरकार है जिनने मद्रासा का नाम में पूरा स्कीम चलाता है। राजस्थान में सीएम मद्रासा एजुकेशन स्कीम चलता है, मतलब आप मद्रासा में पढ़ो हम आपको पैसा देगा। मद्रासा में पढ़ने का बाद क्या होगा, वो लड़का फंडामेंटलिस्ट होगा, कट्टर होगा, कभी भी लिबरल नहीं बनेगा।